सारे जगा रहे हैं। इमाम साहब पैदल शिकार कर रहे हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, आज एक नया वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाफैसी होटल सेंसपिट में और तकरीबन इस वक्त शाम के 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम लोग पहुँचे हैं वक्त में। अभी हम शिकार का आगाज़ करेंगे थोड़ी देर में। 2 बाइकों में हम लोग 4 बंदे हैं मौजूद, मेरे बड़े भाई अमजद इमाम और मेरे कज़न हैं सुलभ बलोच, उसके साथ एक भाई हैं अरसलान, मेरे दोस्त हैं, नए शिकारी हैं, वो भी शौकीन है, इसलिए हमारे साथ आज आएँ ऑक्सपे की साइड में शिकार करने आएँ। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं ऑक्सपे शाफैसी होटल, यहाँ पर डी टाइम है, तो रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह आपको समंदर दिखाएंगे, शिकार शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं बड़ी मछलियाँ हमारी आ जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि वीडियो के जितने मनाजर हैं आप ज़रूर देख सकें। शिकार ही शिकार है हमें। तो व्यूअर्स फाइनली हम लोग सी साइड पहुंच गए हैं, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑक्सपेस ही हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे। तो डोर वगैरह सेट कर रहे हैं मेरे साथी और इंशाल्लाह शिकार का आगाज़ करेंगे, पहला डोर देखेंगे। उम्मीद करते हैं बड़ी मछलियाँ हमें मिलें, और आज तक तो कोई बड़ी मछली हाथ नहीं आई जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद पर जिंदा हैं, उम्मीद पर खाएँ मैं। इंशाल्लाह एक ऐसा डोर फेंकेंगे जिसमें एक बड़ी मछली भी आ जाए, तो आप दुआ कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। व्यूअर्स देखते हैं आई कोई मछली तो आई है हाथ में, देखते हैं कौन सा दाना है। ये मेरे बड़े भाई अमजद इमाम डोरी लपेट रहे हैं अपना। तो व्यूअर्स काफ़ी कोशिशों के बाद एक कोई बेहतरीन दाना मेरे भाई अमजद इमाम ने पकड़ा है, ये आप देख सकते हैं एक दाना आया है। उम्मीद करते हैं इससे अच्छी और मछलियाँ हमें मिलेंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दूसरे शिकारी मेरे साथी हैं, ये भी कोशिशों में लगे हमें, और कुछ और शिकारी अभी यहाँ सामने नज़र आ रहे हैं, ये भी शिकार कर रहे हैं मछली का, लेकिन ये भी अभी तक नाकाम है। और साथ ही साथ मेरे दूसरी तरफ भी काफ़ी सारे शिकारियाँ हैं, ये भी अभी तक नाकाम है, लेकिन शुक्र है अल्लाह के हमारे हाथ में एक दो अच्छी मछलियाँ आई हैं। उम्मीद करते हैं आगे इंशाल्लाह इससे भी अच्छी कोई मछली हम पकड़ें, तो अभी तक वीडियो शानदार जा रही है, उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगी। और सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है, आप देख सकते हैं सनसेट होने वाला है, तकरीबन असर क्रास कर चुकी है, 5 बज रहे हैं इस वक्त, 2 घंटे हो गए हम यहाँ पहुँचे हमें, तो उम्मीद करते हैं इस 1 घंटे के दरमियान हम और कुछ अच्छी अच्छी मछलियाँ पकड़ें। व्यूअर्स देख सकते हैं एक और बेहतरीन किस्म का दाना आया है, अमजद इमाम साहब बेहतरीन शिकार कर रहे हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं और भी हमें मिलेंगी, वीडियो बहुत ही शानदार जा रही है इस वक्त। तो व्यूअर्स देखा आपने मेरे भाई अमजद इमाम ने अभी तक 3 दाने अच्छे पकड़े हैं, मैं भी अपनी कोशिश में लगा हूँ कि मेरे डोर में भी कोई आए, लेकिन अब तक मेरे डोर में कोई बड़ा दाना आया नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे डोर में भी आए, मेरे पीछे मेरे कज़न अतुल बख्त साहब वो भी सर कोशिशों में लगे हुए, लेकिन अभी तक कोई बड़ा दाना नहीं आया, लेकिन शुक्र है अल्लाह के मेरे बड़े भाई अमजद इमाम ने कुछ अच्छे दाने पकड़े जिससे हमारे वीडियो का भी कुछ अच्छे वीडियो फुटेज मिली है और हमारा सफ़र भी काफ़ी अच्छा गुजरा है। व्यूअर्स तकरीबन मगरिब होने वाली है, सूरज ग़ुरूब भी होने वाला है और हमने अपने पिकनिक का बहुत ही शानदार मज़ा भी उठाया है, मछलियाँ पकड़ी हैं हमने जो आपको दिखाई है, मेरे भाई ने पकड़ी हाथ छोड़ी और दो अच्छे दाने मेरे भाई अमजद इमाम ने पकड़े, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद ना भी आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो को देखा जा रहा है और हमारे हौसला अफजाई भी हो। आप देख रहे हैं सुबह शुरू होने वाला है, हमसे निकलते हैं अपने घरों के लिए, तो वीडियो को आप आपने वीडियो को देखा और आपको कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर आगा कीजिएगा, उम्मीद करके हैं आपको अच्छा ही कमेंट देंगे हमें, और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तब भी हमें कमेंट दें ताकि हमें पता चले कि वीडियो अच्छी, तो मैं वो समझ में आपको याद दीजिएगा।